मैं पुराना कांग्रेसी हूँ, पर जहां प्रथम राष्ट्र का सवाल आएगा, जहां सीमों की सुरक्षा का सवाल आएगा, तो मैं कैसे नहीं सलूट करूंगा। ऐसा नहीं है, हमें ऐसे विचार नहीं रखने चाहिए। एमएस बिट्टा साहब, चेयरमैन एंटी टेररिस्ट फ्रंट किसी परिचय के मोहताज नहीं, धाकड़ तरीके से अपनी बात रखते हैं और देश के हित को सबसे ऊंचा रखते हुए देश का झंडा बुलंद रखते हैं। बिट्टा साहब से जरा ये समझ लें कि ये जो मौजूदा हाल सूरत है, क्या ये समाधान की तरफ बढ़ते कदम है या कहीं रोड़ा नजर आ रहा है? बिट्टा साहब देखो, अभी हैदरी जी ने बहुत अच्छे तरीके से कुछ अच्छी बातें कही कि बातचीत का स्वागत है, मैं भी स्वागत करता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां तक पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की बात है, पाकिस्तान के साथ कब का बातचीत नहीं हुई? क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी पाकिस्तान नहीं गए थे नवाज शरीफ से बातचीत करने, अमन शांति का संदेश लेकर के? क्या हुआ था चंबा के अंदर, हिमाचल के अंदर 25-30 के करीब बेगुनाह लोगों का कत्लेआम कर दिया गया? उस वक्त वो पाकिस्तान में थे। और उसके बाद क्या मैं उम्मीद कर सकता था, क्या पाकिस्तान के लोग उम्मीद कर सकते थे कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान नवाज शरीफ को मिलने जाएगा? हम नहीं कर सकते थे, हमने विरोध किया, हम कहते हैं, पर नरेंद्र मोदी जी गए अमन शांति का संदेश लेकर के। हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हम अमन शांति चाहते हैं, पाकिस्तान में आवाम हो या हिंदुस्तान में हो, किसी का सुहाग ना उजड़े, को बच्चा यतीम ना हो, खून की नदियां ना बहें, जैसे हैदरी जी ने बोला हथियारों के ऊपर पैसा खर्च ना हो, बिल्कुल सही बोला, हिंदुस्तान अब भी अमन शांति चाहता है। क्या किया पाकिस्तान ने, क्या किया ISI ने? दीनानगर की घटना और कश्मीर के अंदर जगह जगह पे पत्थरबाजी, जवानों के ऊपर गोलियां, कितने अत्याचार हुए। तो मुझे एक चीज बताइए, पाकिस्तान कहां से आ गया? अगर इनकी बातचीत होती, लोकतंत्र आना चाहिए, पंजाब में भी गवर्नर रूल था, गोलियां चलती रही, बहनों के सुहाग उजड़ते रहे, बच्चे यतीम होते रहे, आखिर में एक दिन लोकतंत्र की सरकार बनी, चीफ मिनिस्टर सरदार बेअंत सिंह बने, हम भी उसमें मंत्री थे, हम अमन शांति लाए। तो अमन शांति लाने के लिए अगर ऐसा लोकतंत्र आता है तो हमें उसका किसी को कोई इतराज नहीं। कोई बिट्टा साहब से इसका जवाब जल्दी से ले लूं, उसके बाद जाता हूं जफर इस्लाम साहब के पास। इधर भी हिंदुस्तान की तरफ भी ट्रस्ट डेफिसिट के हिसाब से इशारा करना ठीक है क्या? देखो दो चीजें हैं, जैसे हमारे बड़े महान लेखक, उन्होंने बड़ी पाकिस्तान के ऊपर चर्चा की और यह कहा कि बातचीत की जाए तो किसके साथ की जाए, बात कितनी बार हुई पाकिस्तान से? मैं फिर कहूं, पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, आम जो व्यक्ति है, आम जो को मेरी बहन है, मेरा भाई है, हमारे से दुश्मनी, उनकी हमारे साथ क्या दुश्मनी है? सवाल सबसे बड़ा ये कहा गया कि बातचीत हो तो किससे हो, बात किससे नहीं हुई? नवाज शरीफ से नहीं हुई? या मुशर्रफ जी जहां हिंदुस्तान में नहीं आए थे, क्या उनका लाल कार्पेट पे स्वागत नहीं किया गया था? हिंदुस्तान ने हमेशा चाहा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्ते सुधरने चाहिए, पाकिस्तान भी तरक्की के रास्ते पे जाए और हिंदुस्तान भी तरक्की के रास्ते जाए। जैसे अभी कहा गया हथियारों के ऊपर खर्चा ना हो, बिल्कुल सही चीज है, हम नहीं चाहते कत्लेआम हो, पर बातचीत किससे की जाए? इस वक्त इमरान खान नहीं, वो ये मैं बिट्टा जी के पास जाना चाहता हूँ। बिट्टा साहब, सब तरफ तो चीजें इस कदर घुली मिली हैं, फिर इतना ऐतराज क्यों, इतना ज्यादा दूरी क्यों? देखो ये हैदरी जी ने जो बात कही, हो सकता बात में कुछ सच्चाई हो, पर ये बातें बहुत पुरानी है। सवाल सबसे बड़ा फिर वो वही आता, बातचीत किससे की जाए, किससे चर्चा की जाए? हिंदुस्तान अमन शांति चाहता है, आज भी अमन शांति चाहता है, पाकिस्तान के साथ रिश्ते बनाने में हिंदुस्तान को कोई सरकार हो कोई इतराज नहीं अमन शांति के लिए, पर वहां है कौन? ISI, पॉलिटिकल पार्टियां आएंगी, पॉलिटिकल पार्टियां जाएंगी, यहां ISI नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या अटल बिहारी वाजपेयी जी हो या आज नरेंद्र मोदी हो, ठीक कहा हैदरी साहब ने कि नरेंद्र मोदी है तो सब कुछ हो सकता है, और 370 धारा का करके दिखाया, हुआ, और नरेंद्र मोदी जी ने भी ये भी हिम्मत की, फिर रिपीट करूंगा, पाकिस्तान में गए, वो नवाज शरीफ के पास गए थे, उसके बाद क्या हुआ? ISI ने उस बातचीत को सिरे नहीं चढ़ने दिया, उसके बाद उस चीज को, जैसे
आज एक पुलिस इंस्पेक्टर को शहीद किया गया, क्यों शहीद किया गया? और सबसे बड़ी बात यह है कि बात तो हम बात तो ठीक है, बात आने वाले मंच पर बिट्टा कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। बिट्टा साहब देखो, मेरा ना बीजेपी से तल्लक है ना आरएसएस से तल्लक है। मैं पीछे बीकानेर के अंदर पिछले साल कड़क गर्मी में, ये दिनों की गर्मी थी, मैं बॉर्डरों पे गया, बॉर्डरों को देखने गया, किसी संस्था ने बुलाया था। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, एक मिनट के लिए सुन लीजिए। वहां क्या देख रहा हूं, कोई संस्था थी आरएसएस की, मुझे नहीं पता था, सीमा सुरक्षा मंच आरएसएस से जुड़ा हुआ है, और कड़क गर्मी में स्कूल में बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं और लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं कि बॉर्डरों को सुरक्षित रखना है। कोई वहां वोट नहीं, कोई वहां सता नहीं। आखिर में पता चला कि ये आरएसएस की संस्था है। जनाब मैं पुराना कांग्रेसी हूं, पर जहां प्रथम राष्ट्र का सवाल आएगा, जहां सीमों की सुरक्षा का सवाल आएगा, तो मैं कैसे नहीं सलूट करूंगा? ऐसा नहीं है, हमें ऐसे विचार नहीं रखने चाहिए।